आज का दिन जब वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में टीम इंडिया के साथ क्रिकेट भी हुआ शर्मिंदा। हमारे देश में क्रिकेट के प्रति लोगों का दीवानापन 1996 के वर्ल्ड कप में देखने को मिला, जिसे आज भी सिर्फ भारत में नहीं पूरी दुनिया में याद किया जाता है। खासकर श्रीलंका के क्रिकेट इतिहास में वे जब भी अपने वर्ल्ड कप खिताब को देखते होंगे, भारत के खिलाफ खेला गया सेमीफाइनल पहले याद आता होगा। मैच था भी कुछ ऐसा। कोलकाता के ईडन गार्डन में 13 मार्च 1996 को खेले गए टूर्नामेंट के पहले डे नाइट सेमीफाइनल में भारत ने टॉस जीतकर मेहमान टीम को पहले बल्लेबाजी का न्योता दिया और श्रीलंका ने इस फायदा उठाते हुए 8 विकेट पर 251 रन बनाए। अब बारी भारत की थी, लेकिन भारत ने 34.1 ओवर में 120 रन पर 8 विकेट गंवा दिए। भारतीय प्रशंसकों को हार सामने दिखने लगी थी और ऐसे में वहां भारतीय प्रशंसकों ने ऐसा कुछ कर डाला कि मैच रेफरी ने उसी समय मैच रोककर श्रीलंका को विजेता घोषित कर दिया। श्रीलंका ने फाइनल में आए ऑस्ट्रेलिया को हराकर पहली बार वर्ल्ड कप का खिताब अपने नाम किया था। सचिन ने खेली थी 65 रन की पारी। सचिन तेंदुलकर और नवजोत सिद्धू पारी का आगाज करने मैदान पर आए, लेकिन श्रीलंका अटैक के पास भारतीय बल्लेबाजों ने घुटने टेक दिए और सिर्फ तेंदुलकर 65 ही अधिक समय तक मैदान पर टिक पाए। संजय मांजरेकर 25 रन और विनोद कांबली ने नाबाद 10 रन बनाए। इनके अलावा कोई भी बल्लेबाज 10 रन से अधिक की पारी नहीं खेल पाया। भारतीय टीम की ऐसी हालत देखकर भारतीय प्रशंसकों ने अपना संयम खो दिया और मैदान में हुंडदंग मचाने लगे। बोतलें, कैन, प्लास्टिक बैग और जो कुछ भी उनके हाथ में था वे सब मैदान पर फेंकने लगे। इस घटना के कुछ मिनटों बाद मैच रेफरी क्लाइव लॉयर ने श्रीलंका को विजेता घोषित किया। आंसुओं के साथ कांबली मैदान से आए थे बाहर। जब यह सब हुआ उस समय विनोद कांबली और अनिल कुंबले मैदान पर थे और श्रीलंका को विजेता घोषित करके के बाद कांबली रोते हुए मैदान से बाहर आए थे।